हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। अगेन आई एम हियर विद यू। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डायबिटीज मेलाइटिस। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन डायबिटीज मेलाइटिस। इन माय लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ओनली दिस डिजीज अकर्स। So this disease is caused by deficiency of insulin hormone. इंसुलिन हार्मोन की स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है। जो कंडीशन अकर होगी उसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। और कुछ हम लोग सिम्टम्स देखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस के बेसिक सिम्टम्स क्या होंगे। पहला तो बेसिक सिम्टम है, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी में ब्लड में जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है तो वो बढ़ जाएगा। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब ही स्टूडेंट्स होता है टू इंक्रीज। अब जब हाइपर में ब्लड शुगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, और ग्लाइसीमिया वर्ड हम लोग बेसिकली ग्लूकोज के लिए यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कभी कभी किडनी से शुगर का एक्सक्रीशन होने लगता है, इसलिए जो है यूरिन में भी शुगर पास होती है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्लाइकोसूरिया। व्हेन द ग्लूकोज इज पासिंग इन यूरिन, यूरिन अलोंग विद शुगर अलोंग विद ग्लूकोज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। एंड नॉर्मली दिस ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब, बट If the level exceeds the normal value, then extra amount is excreted in urine. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात बहुत ही बेसिक है कि अगर ये सही एब्जॉर्प्शन हो जाता है ग्लूकोज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज यूरिन से ग्लूकोज एक्सक्रीट होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे जो मसल फैट है, जो प्रोटीन है, उनका ब्रेकडाउन होने लगता है। पर्सन में जो है उसका वेट लॉस होगा, बिकम्स थिन डे बाई डे, and person will feel tired, and there will be increased volume of urine. Urine का जो volume है, volume of urine वो भी बढ़ जाएगा due to osmotic effect. जो osmotic effect है glucose का उसकी वजह से, और जो thirst है, प्यास है उस person की, वो भी increase हो जाएगी. Thirst increases due to more loss of urine to compensate the loss of water. और कभी कभी क्या होता है, जब डायबिटीज मेलाइटिस का जो पेशेंट होता है उसमें जो इंजरीज हो जाती है, उन इंजरीज को हील अप होने में काफी टाइम लग जाता है। और कभी कभी इन एक्यूट केसेस में वो गैंग्रीन का फॉर्मेशन भी करता है, और अगर उनका हम ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं देते हैं तो ये फैटल भी हो जाता है, लीथल हो जाता है, डेथ कॉज। और कभी कभी अगर बहुत ही सीवियर डायबिटीज मेलाइटिस, अगर डायबिटीज हमारी कंट्रोल में नहीं है तो हमारा आई साइट विजन हमारा लॉस हो सकता है। इट मे कॉज इफेक्ट्स ऑफ हार्ट ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर क्लास 10th और 12th स्टैंडर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इट, डोंट गो इन टू मच डिटेल। For UG and PG courses, you have to read in medical biochemistry in detail about diabetes mellitus. Although I'm going to discuss here about the types of diabetes mellitus. So there are two types, that is type 1 and type 2. Second one is type 2. So what happens in type 1? It is also called insulin dependent. Type 1 is called insulin dependent. And type 2 is called insulin independent. Insulin independent. Insulin dependent की अगर बात करें तो they lack insulin secreting beta cells. यहाँ पे क्या होगा, जो insulin से जो हम लोगों ने islet of Langerhans के जो cells पड़े थे beta cells, वही हमारा insulin hormone secrete करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होगा, यहाँ पे इंसुलिन सिक्रेटिंग बीटा सेल्स की कमी हो जाती है, लैक है यहाँ पे, नहीं दे नीड टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन। अब जब बीटा सेल्स ही नहीं है स्टूडेंट्स तो इंसुलिन भी नहीं बन पाएगा, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं उस पर्सन, इंसुलिन इंजेक्शन। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है,
ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या फिर इंसुलिन इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स तो होंगे, बीटा सेल्स होंगे, बट सम अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन देयर ब्लड, लेकिन इंसुलिन का अमाउंट कम हो, इंसुलिन का अमाउंट कम होगा जितना नॉर्मल होना चाहिए उसे। बट देयर सेल्स हैव रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, जो यहाँ के सेल्स हैं वो इंसुलिन के सेंसिटिव नहीं है, तो दे डो नॉट रिक्वायर इंसुलिन इंजेक्शन। यहाँ इंसुलिन की इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। हम लोग डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग डाइट, एक्सरसाइज एंड सम मेडिसिन, यू कैन गिव मेडिकेशन। सो दिस इज द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड दिस इज टाइप 1। I want to highlight here what is the basic point. This is type 1, this is type 2, insulin dependent, insulin independent, and this is hyperglycemia, glycosuria, some symptoms are here, and the people who need insulin, it is given by injections. Insulin, I think you all know, it is a peptide hormone. It will get easily digested if taken orally. Hence, it is injected into the blood directly by injection. So this is all about the role of insulin, and its deficiency causes a disease which is called diabetes. So this is all about diabetes mellitus students. I hope this video is helpful for your studies, and we will meet again very soon with a new topic. That will be on lookup.com. Thank you, my dear friends. And please share this video. If you like this video, please hit the like button. Bye bye. Take care.